दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल। प्रशांत विहार में पार्क में बैठे दंपति पर चाकू से हमला, महिला की मौत, पति की हालत नाजुक। बीती रात 9:30 बजे अपने घर के पास पार्क में बने बेंच पर बैठे थे दंपति, पीछे से अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, पत्नी की मौके पर ही मौत। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना में नहाने गए 6 दोस्तों में से 2 की डूबकर मौत, कई घंटे बाद शव बरामद। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली में मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा, पीओके के संदिग्ध आतंकी कर सकते हैं हमला। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट, 14 और 15 अगस्त की शाम चौकसी बढ़ाने के दिए गए निर्देश। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले मोदी, हमें कोई हक नहीं कि हम दलितों को प्रताड़ित करें, ये खेल बंद होना चाहिए। गौरक्षा के ठेकेदारों पर फिर बरसे मोदी, तेलंगाना पहुंचे, मोदी ने कहा फर्जी गौरक्षक देश की एकता अखंडता के लिए खतरा। प्रधानमंत्री ने नकली गौरक्षकों से सावधान रहने को कहा, कहा ऐसे लोगों को चुन चुन कर देनी चाहिए सजा। गौरक्षकों को लेकर पीएम के बयान से नाराज हिंदू महासभा, अलीगढ़ में मोदी की तस्वीर के सामने दूध रख बनाया नाग पंचमी का त्यौहार। विश्व हिंदू सेना गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिंह गुज्जर ने प्रधानमंत्री के बयान का किया विरोध, कहा मोदी को गौरक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। पंडित अजय गौतम ने कहा पीएम का बयान निंदनीय है, उन्होंने दुनिया के सामने हिंदुओं का किया अपमान, हिंदुओं और गौशाला के वोट से ही मोदी प्रधानमंत्री बने। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का पीएम पर निशाना, कहा दादरी और झारखंड में हुई घटनाओं पर क्यों चुप रहे मोदी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती मोदी सरकार, गृह मंत्रालय राज्यों को जारी करे एडवाइजरी। जनगण मन को इस्लाम के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद के एमए कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज, स्कूल प्रबंधन जियाउल हक हिरासत में। प्रशासन ने स्कूल बंद कराने का भी दिया आदेश, वहां पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में कराया जाएगा दाखिला। दयाशंकर ने मायावती को दी खुली चुनौती, अगर दम है तो किसी भी सामान्य सीट से मेरी पत्नी स्वाति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मैं तो चैलेंज करता हूं मायावती जी को कि सामान्य सीट पर 403 में से कोई भी सामान्य सीट चुन ले, उस पर मेरी पत्नी निर्दल चुनाव लड़ेगी, आपके अंदर हिम्मत हो तो लड़कर के दिखाइए, तब मैं कहूंगा। बीएसपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी में होंगे शामिल, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा औपचारिक ऐलान। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के चलते जोधपुर में 20 मिनट तक रुकी रही मंडोर एक्सप्रेस, गुस्साए यात्रियों ने रेल मंत्री को ट्वीट कर जताई नाराजगी। वित्त राज्य मंत्री ने दी सफाई, मैं 5-7 मिनट की देरी से पहुंचा था मगर मैंने ट्रेन नहीं रुकवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में गोद लिए गांव पहुंचे अपना दल के सांसद हरिवंश सिंह का, लोगों ने किया जमकर विरोध, सांसद वापस जाओ के नारे लगे। समाजवादी पार्टी से निलंबित विधायक आबिद रजा ने सांसद धर्मेंद्र यादव को दी चुनौती, दम है तो इस्तीफा देकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। दलितों पर हो रहे हमलों के खिलाफ मैसूर में कर्नाटक दलित कल्याण समिति का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। जेडीयू नेता शरद यादव के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान का बिहार के बेगूसराय में विरोध, बजरंग दल के लोगों ने फूंका पुतला। यूपी के महोबा में बदहाली से तंग पठारी गांव के लोगों ने की इच्छा मृत्यु की मांग, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। यूपी में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित का उन्नाव पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत, कांग्रेस की 3 दिवसीय सेवादल कार्यशाला का किया उद्घाटन। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोगों को लुभाने में जुटी बीजेपी, मालवलकर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेताओं की मौजूदगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जटाशंकर धाम के पास भूस्खलन के बाद चट्टान गिरने से अफरा तफरी, भागने के दौरान भगदड़ में 11 साल के बच्चे और बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे में 9 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर, राहत और बचाव दल के लोग मौके पर। पश्चिम बंगाल की नादिया में गैंगरेप के बाद अरिंदो ने महिला पर फेंका तेजाब, पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हावड़ा में बेटी को जन्म देने पर ससुराल में बहू को जिंदा जलाया, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती, सास के खिलाफ दर्ज हुआ केस। कर्नाटक के गुलबर्गा में अचानक पानी की टंकी गिरने से हड़कंप, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई जवान घायल।
पंजाब के होशियारपुर में ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित बस ने कई राहगीरों को कुचला, हादसे में 7 की मौत, 17 बुरी तरह घायल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में संतुलन खोने के बाद नदी में गिरी बस, हादसे में 35 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। यूपी के सहारनपुर में चिलकाना के पास दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मेले में विस्फोट में 4 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या, गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। अलीगढ़ में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता से राजा नाम के लड़के को सबक सिखाने को कहा। यूपी के संभल में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग पिता और उसके 2 बेटों पर फेंका तेजाब, 60 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा के बंबावड़ गांव में एक शख्स का गंग नहर में मिला शव, पत्नी समेत 2 बच्चे लापता, तांत्रिक पर हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 35 साल की महिला पर घर में घुसकर तेजाब से हमला, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के चूरू में 18 रुपए के लिए बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, पानी के बिल को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया। ऋषिकेश में विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1,00,000 कैश के साथ पकड़े गए 3 लोग। राजस्थान के सीकर में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। धौलपुर में वन विभाग के तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। हरियाणा के जींद में दादी के साथ जा रही बच्ची को सांड ने कुचला, हादसे में बाल बाल बची मासूम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार के पौष इलाके हरिलोक कॉलोनी में एक घर में महिलाओं को बंधक बनाकर लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से रेप, गिरफ्तार आरोपी गांव का ही रहने वाला युवक। बिहार के दरभंगा में 60 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया एक शख्स, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में 31 साल के युवक की डेंगू से मौत, डेंगू के 10 और मरीजों की पुष्टि। यूपी के हाथरस में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, बाइक से टकराने के बाद बाइक सवार की जमकर पिटाई की गई। यूपी के सुल्तानपुर में एसपी की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की गाड़ी से मिला अवैध हथियार, पकड़े जाने पर समर्थकों का कोतवाली पर हंगामा, 4 लोग गिरफ्तार। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, जलगांव में डीएम दफ्तर को मिले खत में मंदिर को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। रामेश्वरम में समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों को श्रीलंकाई नौसैनिकों ने खदेड़ा, सरकार से सुरक्षा की मांग। कवाली की सफलता पर रजनीकांत को बुरी नजर से बचाने के लिए चेन्नई में उनके फैंस ने दी बकरे की बलि, रजनीकांत के प्रशंसकों ने कहा लोग थलाइवा की कामयाबी से जल रहे हैं। लगातार बारिश से जम्मू में बाढ़ के हालात, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। भारी बारिश के बाद नदियों में उफान से उधमपुर में लोगों पर आफत, 40 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रजौरी में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। पठानकोट में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर, कई इलाकों में बाढ़। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में निक्की दावी में उफान, बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला गया। कठुआ में भारी बारिश से उज नदी उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, बारिश में मकान गिरने से 3 लोग घायल। यूपी के गोंडा में घाघरा में उफान से नदी पर बने बांध में कटाव का खतरा, करनैलगंज तहसील के 43 गांव के डूबने का खतरा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा डैम के 13 गेट खोले गए, चेतावनी जारी होने के बाद भी बांध पर लोगों का आना जारी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, गौतमेश्वर मंदिर के पास झरने पर सेल्फी लेने की मची होड़। हिमाचल में रामपुर समेत कई जगह पर बादल फटने से लोगों में दहशत, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जबलपुर में बरगी डैम का गेट खोले जाने के बाद नर्मदा पर बने पुल को खतरा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात, शहर में कई इलाकों में भरा पानी। पुष्कर में भारी बारिश के बाद विशाल सरोवर लबालब, स्नान करने आए श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी।
रविवार को तेज बारिश से भोपाल शहर हुआ पानी पानी, कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी। रियो ओलंपिक में दूसरे दिन भी भारत के लिए निराशा, तीरंदाजी में रूस से हारकर महिला टीम बाहर, निशानेबाजी में हिना सिद्धू ने किया निराश। तीरंदाजी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी, लक्ष्मी नारायण मांझी और बम्बेला देवी की तिकड़ी को रूसी टीम से मिली हार, अब तीनों तीरंदाज निजी मुकाबलों में पेश करेंगी चुनौती। 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड चैंपियन हिना सिद्धू का मेडल जीतने का सपना टूटा, फाइनल में भी जगह बनाने में नाकाम। शूटिंग में पदक जीतने की उम्मीद बरकरार, पुरुष ट्रैप शूटिंग में मानवजीत सिंह संधू और केनन चेन्नई के पास आज मेडल जीतने का मौका। 36 साल बाद ओलंपिक खेल रही महिला हॉकी टीम जापान के खिलाफ मैच 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल, रानी रामपाल और लिलिमा मिज ने टीम के लिए किया गोल। रियो ओलंपिक में आज शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग पर टिकी नजरें, 10 मीटर एयर राइफल में दोनों से पदक की आस। पुरुष हॉकी में आज भारत का जर्मनी से अहम मुकाबला, आयरलैंड को हराने के बाद टीम की अग्नि परीक्षा। तैराकी में 200 मीटर फ्री स्टाइल में महिला तैराक शिवानी कटारिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, 200 मीटर बटरफ्लाई में सज्जन प्रकाश का इम्तिहान। कल से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए सेंट लूसिया टीम इंडिया पहुंची, मैदान पर जमकर बहाया पसीना। एस वेस्टन में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 141 रन से दी करारी शिकस्त, 343 रन की चुनौती के जवाब में पाकिस्तान की दूसरी पारी में 201। मुंबई में सोहेल खान की फिल्म फ्रीकी अली का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म के कलाकारों के साथ अभिनेता सलमान खान की भी दिखी मौजूदगी। ब्रेकअप के बाद फिर कटरीना कैफ के घर पर दिखे रणवीर कपूर, कटरीना के करीबी दोस्त ने किया खुलासा। रुस्तम के प्रमोशन में व्यस्त अक्षय ने फ्रेंडशिप डे पर पत्नी ट्विंकल खन्ना की डाली तस्वीर, ट्विंकल को बताया स्टार। अभिनेता फरहान अख्तर ने फ्रेंडशिप डे पर सोशल मीडिया पर डाला वीडियो, वजीर फिल्म का गाना यारी गाते दिख रहे हैं फरहान। हेरा फेरी को लेकर अभिनेता जॉन अब्राहम के पास कोई जवाब नहीं है, एक साल पहले निर्माता ने जॉन के नाम का किया था ऐलान। मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपे में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 17 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। चीन के हुबेई प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, लोकल स्टोर्स में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। टर्की में राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की बुलाई रैली में 10 लाख की जुटी भीड़, मजबूत टर्की बनाने का दिया नारा। परिवार के साथ मार्थास विनियार्ड द्वीप पर छुट्टी मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ले रहे हैं गोल्फ का मजा, गोल्फ खेलते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में पहली बार माता पिता के साथ नजर आए 3 नन्हे शेर, नन्हे शेरों को देख खुश हुए लोग।